दोस्तों, हमारा पृथ्वी सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक है और हमारे इस ग्रह पर तकरीबन 195 देश मौजूद हैं, जहां पर रात और दिन सामान्य रूप से चलता रहता है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जहां पर रात नहीं होती। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, जहां हमारे देश भारत में 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन आपको बता दूं, दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहां कभी रात नहीं होती। इन जगहों पर सूरज लुक्का छुपी का खेल खेलता रहता है, और खेल भी ऐसा जहां कई महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, ऐसे देश में लोग डेली लाइफ कैसे जीते होंगे जहां पर रात ही नहीं होती, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमारा सूरज डूबता ही नहीं और यह दिन लगातार बना रहता, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। और इसी कारण दुनिया में 95% देश ऐसे हैं जहां पर रात दिन सामान्य रूप से चलता रहता है, लेकिन 5% देश ऐसे भी मौजूद हैं जहां दिन और रात महीनों महीनों का होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हमारे पृथ्वी में ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पर रात नहीं होती। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप उन देशों के बारे में जान पाएंगे जहां पर रात नहीं होती। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट भी बताऊंगा कि आखिर इन देशों में रात क्यों नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सा देश है जहां पर रात नहीं होती। नंबर 1, अलास्का। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ये हमेशा से अमेरिका का राज्य नहीं हुआ करता था। ये तो एक्चुअली रशिया का हिस्सा था, जो अमेरिका ने सन 1867 में रशिया से खरीद लिया। दोस्तों अलास्का को ग्लेशियरों का राज्य भी कहा जाता है। अलास्का के ज्यादातर हिस्से में बर्फ ही बर्फ है। दोस्तों यहाँ पर 15 मई से लेकर 15 जुलाई के दौरान यहाँ पर सूर्य पूर्ण रूप से नहीं डूबता है, यानी कि यहाँ पर कुछ समय के लिए रात तो होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता है। यहाँ तकरीबन रात के 12:30 बजे सूर्य अस्त होता है और ठीक 50 मिनट के बाद यहाँ सूर्योदय हो जाता है। नंबर 2, कनाडा, जो दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। दोस्तों इस देश की ज्यादातर हिस्सा एनी टाइम बर्फ से ढकी हुई रहती है। दोस्तों इस देश में भी दिन और रात का विचित्र चक्र देखने को मिलता है, लेकिन कनाडा के कुछ हिस्से जैसे कि उत्तर पश्चिम इलाकों में गर्मी के दिनों में 51 दिनों तक सूर्य नहीं डूबता, यहाँ लगातार दिन का उजाला बना रहता है। नंबर 3, फिनलैंड। फिनलैंड जिसे झीलों का देश भी कहा जाता है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा झील आपको फिनलैंड में ही मिल जाएंगे। दोस्तों फिनलैंड को गर्मी के मौसम में घूमने के लिए सबसे उपयुक्त जगह माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर ज्यादातर टूरिस्ट गर्मी के मौसम में ही घूमने के लिए आते हैं। दोस्तों फिनलैंड के गर्मी के मौसम में यहाँ तकरीबन 80 दिनों तक सूरज नहीं छिपती है। फिनलैंड में रात के समय में भी सूर्य की किरण इन देश में पड़ते रहती है। दोस्तों घुमक्कड़ों के शौकीन के लिए फिनलैंड सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। नंबर 4, आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में स्थित एक छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या यूरोप के सबसे कम जनसंख्या वाला देश माना जाता है। यहाँ पर 15 मई से लेकर जुलाई के अंत तक सूर्य नहीं डूबता है। कुदरत के इस करिश्मे को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों के तादाद में टूरिस्ट इस देश में खींचे चले आते हैं। नंबर 5, नॉर्वे। नॉर्वे जो विश्व के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है, जिसे मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यह देश अंटार्कटिका सर्कल के अंतर्गत आने के कारण यहाँ दिन और रात सामान्य से थोड़ा विपरीत होता है। यहाँ पर मई से लेकर जुलाई तक यानी कि तकरीबन 90 दिनों तक रात नहीं होती। दोस्तों यहाँ का मौसम 90 दिनों तक शाम की तरह रहता है, मींस पूरा अंधेरा भी नहीं होता है और पूरा उजाला भी नहीं होता है, कंटिन्यू एक ही जैसा मौसम 90 दिनों तक बना रहता है। नंबर 6, स्वीडन। यहाँ मई से लेकर 20 अगस्त तक सूर्य नहीं डूबता है, यानी कि तकरीबन 100 दिनों तक यहाँ सूर्य आसमान में दिखाई देते रहता है। तो दोस्तों अब भला आप सोच रहे होंगे कि इन देशों में आखिर रात क्यों नहीं होती है, तो अब मैं आपको इसका साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ।
दोस्तों हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, यानी कि गोल है जो कि अपने अक्ष पर घूमती रहती है और सूर्य का किरण पृथ्वी के आधे हिस्से में निरंतर पड़ती रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी के गति के कारण दिन और रात का चक्र चलता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी में जितने भी देश हैं सब में रात दिन का समान समान चक्र चलता रहता है। मीन्स 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे की दिन होती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, वो बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि हमारे पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, जिसके कारण नॉर्थ पोल में स्थित देश जो कि मैंने आपको पहले बताया जहां सूर्य की किरण निरंतर इन देशों में पड़ते रहती है, ये सब देश ना नॉर्थ पोल में स्थित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं पृथ्वी कंटिन्यू घूम रही है, लेकिन नॉर्थ पोल में जितने भी देश मौजूद हैं, वहाँ पे सूर्य की तिरछी किरण कंटिन्यू पड़ते रहती है। मीन्स 2400 घंटे इस पर सूर्य की किरण पड़ते रहती है, जिस वजह से इन देशों में रात नहीं होती। और इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य के ऑपोजिट साइड में चली जाती है तो इन देशों में कई महीनों तक रात रहती है, क्योंकि 2400 घंटे में किसी भी टाइम सूर्य की किरण इन देशों तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण यह देश कई महीनों तक अंधेरे में डूबा रहता है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इन देशों में लंबे लंबे समय तक दिन और लंबे लंबे समय तक रात क्यों होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।